आने वाली जनरेशन को मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ भी हो जाए दसवीं में औकात से ज़्यादा नंबर मत लाना, क्योंकि फिर चौड़ में आके तुम बारहवीं में मैथ्स ले लोगे, और जो फिर एक बार तुमने मैथ्स ले ली उसके बाद घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार, जिंदा मुर्दा, नाई, सोसाइटी का गार्ड, इवन मोमो वाला भी, सभी एक ही एडवाइस देंगे, बेटा इंजीनियरिंग कर लो, बहुत स्कोप है। तो भाई इसलिए मैंने इंजीनियरिंग ले ली, पर मुंगेरी लाल के सपने तो भैया 10 लाख बीटेक करने वाले फ्रेशर की आंखों में होते हैं। 6 डिजिट सैलरी, 8 कॉमर्स वालों से ज्यादा हॉट गर्लफ्रेंड, कम से कम 3 BHK फ्लैट और सोसाइटी में अच्छी खासी इज्जत। वैसे तो कॉलेज का पहला दिन हर किसी को याद रहता है, और अगर किस्मत मेरे जैसी हो तो पूरी जवानी भर याद रहता है। भैया ये फर्स्ट ईयर का हॉस्टल किधर है? भैया मैं तेरे को दूध वाला देखता हूँ क्या? पहले तो थर्ड बटन हो, थर्ड बटन हो और विश कर तू पहले। हैप्पी बर्थडे भैया। बर्थडे बर्थडे ये सब मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था। अभी अभी मैंने किसी को बर्थडे विश किया और उसके चार दोस्त उसे कुत्तों की तरह पेल रहे थे। फिर मुझे पता चला उसे बर्थडे बॉम्ब्स मिल रहे थे। जो सामने 4-5 आत्माएं बैठी हैं उन्हें सीनियर्स कहा जाता है, और सामने ब्लैक टी शर्ट में वो महाकांडी पुरुष मुझसे गुड मॉर्निंग की उम्मीद कर रहे थे। रे कैसा फर्स्ट ईयर आया रे, जानता नहीं है, जानता नहीं है। अरे यहाँ से जब कोई जूनियर मुंह खाने बाहर निकलता तो गार्ड कहता है अंदर चल जा, अंदर चल जा, नहीं तो सीनियर पकड़ लेगा। अरे क्या कर रहा है तू, समझ में नहीं आता तेरे को। मैं तो कॉलेज मजे में आया था, पर मैं भूल गया था कि रैगिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट। 3 इडियट से मैं ये तो सीख गया था कि काबिल बनूं, बट मैं भूल गया था कि कॉलेज में कई सारे जहां पना भी होते हैं, जो कब कहां आपकी ले लें ये सिर्फ गार्ड्स ही बता सकते हैं। जूनियर्स अमरेशपुरी की हवेली के नौकर की तरह होते हैं, जो दिन रात उसका वफादार बना रहता है, उसके लिए सब्जी और तंबाकू लाता है, रात को उसके लिए रोटियां बेलता है, और सुबह हीरो आकर उसी को सबसे पहले बेलता है। साल भर असाइनमेंट्स अपने तो पूरे होते नहीं थे, और सीनियर्स के रात रात भर बैठकर पूरे करने पड़ते थे। वैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज में 1:50 का जेंडर रेशियो होता है, और जो लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं उन्हें सीनियर्स पटा लेते हैं, क्योंकि उनकी वाली भी उनके सीनियर्स ले जा चुके होते हैं। साल भर सीनियर्स को इंट्रो सुनाते रहो, वो भी 3-3 टाइप के, कैजुअल, जनरल और टेक्निकल, और एक टेक्निकल सॉन्ग जिसकी एंडिंग कुछ इस तरह होती है। अब तो समझ गया ना साल भर क्या करना है, अब पूरे साल यही करियो। चलो टेक्निकल इंट्रो सुना। ओए होए 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 तो मैंने फर्स्ट ईयर में ही डिसाइड कर लिया कि मैं किसी की रैगिंग नहीं लूंगा। इट्स बैड फॉर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ जूनियर्स। बस अब और नहीं, किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ी। मैं आने वाले जूनियर्स को अपने छोटे भाई की तरह रखूंगा, उनकी कोई भी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, चाहे इस रास्ते पे मुझे अकेले क्यों ना चलना पड़े। मैं रैगिंग रोकने के लिए पहल जरूर करूंगा, बस अब और नहीं। भैया
तेरे का हॉस्टल कहाँ है? खैर ये सब बातें तो हर फ्रेशर सोचता है, बट एक बार वो सीनियर बन जाए तो वो भी उसी रास्ते पे चलता है।